श्री अरविंद कुमार सिंह जी को फूल मालाओं से लाद दिया। नमस्कार, वंदे मातरम। आइए भारत को सबल व जागरूक बनाने में एक कदम साथ मिलकर चलें। कहा जाता है कि एक दिन ऐसा भी पड़ाव आता है जीवन में जब हम यह देखते हैं कि व्यक्ति अपने सर्विस से सेवामुक्त होता है। मजे की बात यह है कि किसी को उनकी उपलब्धियों पर समाज में यश मिलता है और किसी को अपयश। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं अरविंद सिंह जी, जिन्हें डाक विभाग से रिटायरमेंट होने के बाद बलिया के रेवती नगरवासियों ने भाजपा के मंडल मंत्री सर्वजीत पांडे माझिल जी के नेतृत्व में वह सम्मान मिला जिसके वास्तव में वे हकदार थे। बताते चलें कि अरविंद सिंह जी डाक विभाग से रिटायरमेंट होने के बाद जब रेवती नगर के बस स्टैंड स्थित हनुमान जी के मंदिर पर पहुंचे तो शुभेच्छुओं ने उनका ससम्मान विदाई करते हुए फूल मालाओं से लाद दिया। अरविंद सिंह जी के ससम्मान विदाई में मुख्य रूप से ब्रिज किशोर पांडे, शैलेश सिंह, शंभू पटेल, नीरज लाल श्रीवास्तव, शिवजी माली, सुदामा, सर्वजीत पांडे माझिल, पिंटू पांडे इत्यादि लोग उपस्थित थे। मित्रों, आइए इसे विजुअल्स में देखें। आप कौन से सर्विस में थे? पोस्ट ऑफिस में। कौन सा पद था आपका? MTS। कब रिटायर हुए हैं? 30 जुलाई। 30 जुलाई को रिटायर हुए हैं, सेवा मुक्त हो गए। बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं सभी ग्रामीणों ने बड़ी उत्साह के साथ पोस्टमैन से रिटायर्ड श्री अरविंद कुमार सिंह जी को फूल मालाओं से लाद दिया। कहा जाता है कि व्यवहार ही व्यक्ति को महान बनाता है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल के मंत्री श्री सर्वजीत पांडे जी की पहल पर इस कार्यक्रम को यहाँ पे किया गया। बहुत आनंद का विषय था। श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर प्रांगण में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। संभव हो तो सहायता जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।